हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो फ्रेंड, आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन को समझने में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में रेशियो बताया गया है अलग अलग स्टेट में, ठीक है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इसका मोड भी निकालना है, मीन भी निकालना है। इंटरप्रेट द टू मेजर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर दे रखा नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, ठीक, उनके बीच में क्या रेशियो है स्टूडेंट में और टीचर में। तो 50 से 20 पर स्टेट, तीन स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर चल रहा है 50 से 20, तीन आठ ऐसे हैं जहाँ पर 20 से 25। इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट चल रहे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, यानी कि एक टीचर पर कितने बच्चे अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी कि 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एक टीचर पर 30 से 35 स्टूडेंट डिपेंड है, 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 35 से 40 स्टूडेंट डिपेंड है एक टीचर पे। तो इस तरीके से उनके बारे में डिटेल दी गई है, हमें इसका मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं मीन। मीन निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें एक्स की, ठीक है। एक्स बोले तो मिड वैल्यू, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू। तरीका तो ये है कि इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 35 का आधा कर दो 17.5, ठीक है। यानी सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करके निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि इनके बीच में कितने गैप है, 5 एंड 5, इन सब में गैप चल रहा है 5 का कर दो हाफ, 5 का हाफ होता है 2.5, ठीक है। 5 का हाफ, इस 2.5 को आगे वाली लाइन में ऐड कर दो, 15 में 2.5 ऐड कर दिया 17.5, 2.5 इसमें ऐड कर दो 22.5, इसमें ऐड कर दिया 27.5, इसमें ऐड किया 32.5, इसमें ऐड किया 37.5, इसमें ऐड किया 42.5, इसमें ऐड किया 47.5, इसमें ऐड किया 52.5, ठीक है। ये मेरा आ गया एक्स, ठीक है फ्रेंड। अब हमें चेक करना है कि इसको कौन से मेथड से करें, डायरेक्ट से करें, जूम से करें या स्टेप डाइवर्जन से करें। डायरेक्ट मेथड तो तब यूज़ करना होता है जब दोनों की वैल्यू छोटी हो, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ तो वैसे ही डेसिमल में चल रहा है, तो डायरेक्ट मेथड करने के बजाय हम इसको यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मेथड से। एज्यूम्ड मेथड में निकाला जाएगा डी, डी होता है एक्स माइनस ए। ए कौन होगा, इनके बीच का कोई भी एक नंबर, ठीक है, कोई भी ये नंबर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन हमें एज्यूम करना है बीच का कोई नंबर, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। तो मान लो मैंने इसे ए एज्यूम कर लिया, तो 17.5 में से माइनस करेंगे 32.5, ठीक, 22.5 में से 32.5, 27.5 में से 32.5, 32.5 में से 32.5, 37.5 में से 32.5, 42.5 में से 32.5, 47.5 में से 32.5 एंड 52.5 में से 32.5, ठीक है। अब यहाँ पर 17.5 में से माइनस किया मैंने 32.5 को, तो इसमें से इसको माइनस किया आया माइनस का 15, इसमें से इसको माइनस किया माइनस का 10, यहाँ पर माइनस का 5, क्योंकि बड़ा ये छोटा और ये बड़ा है, यहाँ पे 0, 37.5 में से 32.5 माइनस किया, तो यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15 और यहाँ 20 आया, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया डी। डी के बाद निकलेगा एफ डी, एफ को मल्टीप्लाई कर देना डी के साथ। एफ के ऊपर उंगली रखनी है और डी पे रखनी है, 15 थी 45, माइनस का 45, 10 8 जा 80, माइनस का 80, 9 5 जा 45, ठीक है। 10 को 0 से किया 0, 5 3 जा 15, 10 को 0 से किया 0, 15 को 0 से किया 0 एंड 22 जा 40। अब ये तीनों माइनस किए और ये दोनों प्लस किए हैं, इन तीनों माइनस वालों को ऐड कर देंगे 90, या माइनस का 170, 45 और 45 90, 9 और 8 17 माइनस का 170। इन दोनों को ऐड किया कितना है मेरा, ये 55, ये प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी,
कितना आएगा मेरा, एक माइनस का हो एक प्लस का हो हमेशा माइनस करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड। तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 115, इसमें से इसको माइनस करने पे सिग्मा एफ, इनका जोड़ हमें कितना दे रखा है 35। तो यहाँ पर निकालेंगे मेन, मेन निकालने का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। ए जो मैंने एज्यूम किया था 32.5, सिग्मा एफ डी माइनस का 115, सिग्मा एफ 35, 32.5 प्लस माइनस माइनस अगर कट रही है तो काट लो, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 23/7, 32.5 में डिवाइड कर दें, सॉरी 23 में डिवाइड दे देंगे 7 का, तो 23 में 7 का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 3.29, ठीक है। अब 32.5 में से माइनस कर देंगे 3.29 को, तो ये आ जाएगा 29.21, ठीक है। ये मेरा मीन आ गया 29.21। अब हम निकालेंगे मोड, ठीक है। मोड निकालने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि हमें जो एफ दे रखा है इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये है, ये होगी मेरी एफ वन, वन के ऊपर होता है 0, वन के नीचे होता है 2, ठीक है फ्रेंड। तो लिख देंगे पहले इसको एफ 0 9, एफ 1 10, एफ 2 3 है मेरा। एफ 1 की जो सामने होगी लोअर लिमिट वो होगी L, दोनों के बीच का डिफरेंस वो होगा H, ठीक है। इतना होने के बाद में मोड का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है L प्लस एफ 1 माइनस एफ 0 अपॉन 2F1 माइनस एफ 0 माइनस एफ 2 इंटू में लगा देंगे H, L, L दे रखा है 30, एफ 1 है 10, एफ 0 9, एच की वैल्यू 5 अपॉन में 2F1, एफ वन की वैल्यू 10, एफ 0 9, एफ 2 3, ठीक है। 30 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 इंटू 5, 10 टू जा 20, इन दोनों को दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 12, 30, 5 1 जा 5, 20 में से 12 क्या कितना आया 8, 5 में डिवाइड देंगे 8 का, तो डिवाइड देने पे आएगा ये 0.625, दोनों को ऐड कर दिया 32.625, ये इसका मोड निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो फ्रेंड इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।